नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवीज ब्लॉग के एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं इस गाड़ी में, उसके बारे में। तो भाई ध्यान रख लीजिए, इस गाड़ी के अंदर, टाटा पंच के अंदर एवरेज निकालने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो गोल घेरा नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये फुल होना चाहिए, जैसे कि अभी चल रहा है फुल। अगर ये फुल है तब ही आप इस गाड़ी से अच्छा एवरेज निकाल पाओगे। देखिए अभी ये नीचे आ रहा है क्योंकि मैंने एक्सीलरेशन को दबाया तो ये नीचे आने लगा। आप इसको आराम से चलाओगे, धीरे धीरे गाड़ी को एक्सीलरेट करोगे तो ये फुल बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। जो नीचे वाला ये घेरा है, ये वाला, ये जो ऊपर तक जा रहा है, ये वाला घेरा आपका जितना ज्यादा फुल होगा उतना ही गाड़ी अच्छा एवरेज निकालेगी। अभी मेरे को ये गाड़ी 18 का एवरेज दे रही है भाई, 18 का, और रेगुलर 18 का दे रही है। कहीं ऊपर नीचे नहीं है कि अगर एसी में चलाता हूँ और आराम से चलाता हूँ तब ये फुल होता है, ये जो गोला है ये फुल होगा, तब भी आपको फुल का फुल एवरेज देगी। तो आप जब गाड़ी चलाओ ना तो एक बार दिमाग में बिठा लो, जैसे अपन मोटरसाइकिल सीखते हैं तो अपन गियर का दिमाग में बिठा लेते हैं कि गियर को कब चेंज करना है, कितनी स्पीड पर चेंज करना है। तो ये इसमें भी वही सेम सिस्टम है। आप जब भी गाड़ी को चलाओ इसकी तरफ ध्यान रखा करो, थोड़ा थोड़ा मिनट से देखते रहो कि भाई गाड़ी जब एक्सीलरेट करता हूं तो ये कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है। एक वक्त आएगा जब आपको मेरी तरह अंदाजा हो जाएगा कि इसको फुल कैसे रखना है। और जब आप इसको फुल रखना सीख जाओगे, आपकी गाड़ी भाई 18 से 20 का एवरेज देगी, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी 18 से 20 का एवरेज दे देगी। अब देखो, जब भी मैं गियर चेंज करूंगा, जैसे मैं अभी गियर चेंज कर रहा हूं तो ये जो हेड ड्रॉप होगा, अभी मैंने गियर चेंज किया है और जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा ये देखिए ये ड्रॉप हो गया। ये इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि जब आप गियर चेंज करते हो तब पावर की जरूरत पड़ती है भाई गाड़ी को, और फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और फ्यूल जितना ज्यादा जाएगा ये उतना ही नीचे आता जाएगा। अब आप देखिए और पूरी तरीके से ये नीचे आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिर से मैं ऊपर कैसे लेके जाता हूँ। मैंने इस गाड़ी को फिर से बम्प जम्प आ जाता है ये गाड़ियों में। तो अब देखिए आप अभी ये दो में चल रही है, दूसरे गियर में चल रही है, और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सेलरेट, ज्यादा नहीं, आप इसको गियर चेंज करोगे ये ड्रॉप होगा, 100% ड्रॉप होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे चेंज करना है। अब आप देखिए धीरे धीरे इसको आप एक्सेलरेट करिए, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे, और जैसे ही गाड़ी 2000 के आरपीएम से पार कर जाए आप गियर को चेंज कर दीजिए, और उसके बाद ये आपका बढ़ने लग जाएगा। ये देखिए ये बढ़ने लग गया। अब ये बढ़ा हुआ रहेगा तब तक जब तक आप 2000 आरपीएम पार नहीं कर लेते। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आरपीएम का भी ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड उस गियर में इतनी नहीं होगी आरपीएम हाई चला जाए। आरपीएम तब हाई जाएगा जब आप एक्सेलरेट करोगे, ज्यादा बेफालतू का एक्सेलरेट करोगे तब ये आरपीएम हाई जाएगा। तो आपको अपनी गाड़ी पे पूरा ध्यान रखना है, जितना ज्यादा आरपीएम कम होगा उतना ही ज्यादा ये गोला बड़ा हुआ मिलेगा आपको, और उतनी ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। मेरे को, मैं जब इसका ध्यान रख रहा हूं तो मेरे को 18 का एवरेज दे रही है, ये एग्जैक्ट 18 का एवरेज दे रही है। जितना भी मैं अब तक गाड़ी चला चुका हूं सब में इसने 18 का एवरेज दिया है। तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि ये गोला जो है वो पूरी तरीके से ऊपर रहे। ये एक यूनिक जानकारी है जो आपको किसी ने भी नहीं दी होगी अब तक यूट्यूब पे। तो मेरे चैनल को इस भाई इस इतनी कोशिश के लिए कि मैं आपके लिए ये सब चीजें लाता रहता हूँ ढूंढ ढूंढ के सीख कर, तो प्लीज भाई मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।